पानी बढ़ा है तो परेव पुल से दक्षिण एक बिंदौल गांव है, उस हम लोग बिंदौले गांव के हम लोग लड़का हैं, और 5 बजे से लेकर के या 6:30 बजे तक अवैध खनन नाव से किया जा रहा है, और ये 6:30 के बाद ये लोग आउट हो जाता है। ये रात में भी यहाँ भोर से ही नाव पहुंच करके और अवैध खनन ये 8-10 दिन से ऐसा हो रहा है, और जिसके चलते अवैध खनन के लेके कई बार यहाँ घटना भी हो चुका है। इसलिए इस पर न प्रशासन का ध्यान है न सरकार का ध्यान है, इस पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि अवैध खनन जो ये नाव द्वारा किया जा रहा है इस पर रोक लगे। ये कितने नाव की संख्या में अवैध खनन की जाती कम है? कम से कम 50 और 100 की संख्या में, 100-50 की संख्या में। ये प्रतिदिन का काम है? ये 10 दिन से ऐसा हो रहा है। ये कौन से गांव नाम का है? बिंदौल, यहाँ ब्रॉन्सन का घाट भी चला है इन साल। आपका नाम? हमारा नाम अरविंद। ये पीला सोन खनन बहुत दिनों से जारी है परेव गांव से दक्षिण बिंदौल गांव के सामने, मतलब 100-150 की संख्या में नाव प्रतिदिन यहाँ पे आके अवैध खनन हो रहा है। सरकार इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रोज प्रतिदिन 100-150 नाव से यहाँ पे अवैध खनन के रूप में बालू निकासी किया जा रहा है। हम लोगों का गुजारिश है कि सरकार और कानून इस पे सख्त कार्रवाई किया जाए। आपका नाम? हमारा नाम दीपक कुमार हुआ।